जापान और इंडिया की बात की जाए तो एक चीज तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि वैसे तो दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो पुराने अच्छे हैं, कोई ऐसा कोई ये नहीं कि बिल्कुल नए फ्रेश रिलेशन हुए हैं, लेकिन 2000 जो सिंस 2000 ये जो ताल्लुकात हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। उसकी भी वजह मैं बता देता हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बतानी है आज वो ये बतानी है कि नरेंद्र मोदी साहब की और जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर सुगा, उनकी आपस में हाल ही में बात हुई है। और जो वहां पे मुझे इंटरेस्टिंग चीज लगी, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी, वो कि ये क्वाड का भी हिस्सा है भारत और जापान। और जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज लगी कि वो जो जापानी लीडर हैं वो ये कहते रहे और ये एक हिसाब का कंप्लेन करते रहे अबाउट चाइना टूवर्ड्स इंडिया, के जो बीजिंग है, जो चाइना है, उसने अपने कुछ नए लॉज बनाए हैं कोस्ट गार्ड वेसल्स के हवाले से कि वो फॉरेन शिप्स के ऊपर जो है वो अटैक कर सकते हैं। हालांकि चाइना ने अपना ये कहा है कि ये किसी भी जो फॉरेन शिप्स हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कि हम किसी को इस तरह टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल एनी हो ये एक थ्रेट फील किया है जापानीज ने चाइना के हवाले से, और उन्होंने इसको शेयर किया है इंडिया के साथ। अब जाहिर बात है इंडिया के अपने चैलेंजेस हैं चाइना के साथ, और दोनों जो ममालिक हैं उनका एक कॉमन थ्रेट है, जाहिर बात है वो चाइना बनता है। सो दोनों ममालिक बड़े करीब हैं एक दूसरे के और मुसलसल करीब होते जा रहे हैं, और एक दूसरे को से साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और अगर देखा जाए तो जो एक अच्छे ताल्लुकात शुरू हुए थे वो जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर योशिरो मोरी 2000 में सिंस 2000 में इंडिया में आए थे, और वहां से फिर ताल्लुकात इम्पोर्टेंट हुए। फिर 2013 में जो जो जापानीज एम्परर हैं वो भी आए थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी वो 2007 में हुई थी, जब प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे जो है वो इंडिया में आए थे और उन्होंने भारत की पार्लियामेंट में आके बात की और इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट दिया, और फिर ये एक प्रॉपर जो एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप भी कहा जाता है भारत और जापान की, जो वो सामने आई, और ये तब से लेके ये पार्टनरशिप चल रही है। और इसको इसके बड़े डिफरेंट एंगल्स हैं, उनसे बात की जा सकती है, लेकिन जो मैं इम्पोर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभी जो ताल्लुकात हैं वो उसमें जो जापान जो है वो कंप्लेन कर रहा है कि हमें चीन की तरफ से ये प्रॉब्लम है कि ये ऑफेंसिव हैं और चाइनीज जो हैं वो एग्रेसिव हुए पड़े हैं, और इसमें जारी बात है वो उनकी मदद भी मांग रहे हैं। इसकी मैं आपको एक बात बता दूं कि जो दोनों ममालिक हैं भारत और जापान, इन्होंने एक वायदा भी किया हुआ है, उसे बोलते हैं एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट बोलते हैं। ये जो मुआहदा है ये नॉर्मली नेटो अलायंस या अमेरिकन जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ करते हैं, अगर एक दूसरे को सपोर्ट देनी हो फूड फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन एमुनेशन एंड इक्विपमेंट के वाले से। ये कोई मिलिट्री एक्शन की कमिटमेंट नहीं होती, लेकिन इस तरह के अगर कहीं फंस जाए तो एक दूसरे को मदद करते हैं। अच्छा, ये जो है ये आपस में भी नेटो पार्टनर्स करते हैं, और ये जो नेटो पार्टनर्स हैं किसी थर्ड पार्टी के साथ भी कर सकते हैं। सो जापान और कोरिया ने किया हुआ है, और जापान ने इंडिया के साथ ये एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट किया हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। और मेरी अपनी पर्सनल जाती राय में आई फाइंड कि ये जो रिलेशनशिप है जापान का और इंडिया का, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, क्योंकि एक तो जापानीज ने एक प्रॉपर इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट दिया, फिर जापान ने पिछले 20 साल में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, तकरीबन तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं के 32 34 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पिछले 20 सालों में इन्होंने जापान ने इंडिया के अंदर की है। सो इतनी बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप इमेजिन कर लें कि आ रही है, तो क्या क्या आप स्केल देख लें, वो स्केल क्या हो सकता है। और सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं है, और भी बहुत सारी जगहों पे हैं, लेकिन जापान को एक चीज का पता है कि कुछ जापान जो है वो और चाइना के जो मामलात हैं वो माजी में भी वो इतने अच्छे तो नहीं रहे। तकरीबन ये तो अगर ये कहा जाए कि 1000 साल पुरानी बातें हैं, और जो चीन और जापान जो है एक उनकी आपस में हिस्ट्री रही है लड़ाई की, और लेकिन जापान अपनी सिक्योरिटी की जो नीड्स है वो खुद तो नहीं पूरी कर पाता, क्योंकि उनका एक जापान की
एक डोमेस्टिक आर्टिकल है, उसे आर्टिकल 9 बोलते हैं, जिसे वो अपनी फौज नहीं रख सकते, लेकिन आजकल वो भी उसमें डिस्कशन हो रही है। जैसे आप कह लें कि इन्होंने ये सर्विसेज ली हुई है अमेरिका की और पार्टनर्स की, मुझे ऐसे लग रहा है कि जापान जो है वो इंडिया से भी इसी किस्म की मदद मांगना चाहता है कि कल को अगर कलां को अगर उनको जरूरत पड़े तो वो जापान इंडिया की मदद ले सके। लेकिन इंडिया डेफिनेटली किसी ऐसे मसले में नहीं घुसेगा जो जारी बात है एक प्रॉब्लम बढ़ेगी। और आपको पता है जो ईस्ट चाइना सी है, साउथ चाइना सी है, उसमें आके टेंशन हैं चाइना की और जापान की। सेंकुकू आइलैंड्स का मसला है, और पिछले कुछ अरसे में जापान जो है वो और उनकी जो और चाइनीज की जो नेवी है और जो एयरफोर्स है उनमें आपस में जो है वो जो जेट स्क्रैम्बलिंग जो होती है जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हुई थी वो भी हुई थी। और ये कहा जाता है कि 2017 में ये जो जेट स्क्रैम्बलिंग थी ये 2017 में कम हुई थी, जबकि 2018 में और उसके बाद ये जो है ये जेट स्क्रैम्बलिंग बिटवीन जापानीज एंड द चाइनीज जो है वो बड़ी थी। जापान अपनी नई मिलिट्री बेसिस भी बना रहा है। इसमें उनको इंडिया की पार्टनरशिप चाहिए, इंडिया की मदद चाहिए। इसीलिए आई पर्सनली फाइंड इट के जी जो जापान है वो इंडिया के मजीद करीब हो रहा है, और वो समझते हैं कि हम दोनों के थ्रेट्स एक हैं। उधर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मसला है, उधर आइलैंड्स का मसला है, ईस्ट चाइना सी में जो जो ऑयल रिजर्व्स का मसला है, तो वो एक बहुत बड़ी एक चीज है। जैसे कि वो कहा जाता है कि तकरीबन 200 मिलियन जो ऑयल रिजर्व्स हैं उनकी एक 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 चैलेंज है, और इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि 81,000 स्क्वायर माइल जो टेरिटरी है, जो मैरीटाइम बाउंड्री है, वो एक कंटेस्टेड और डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं। जापान को इस हवाले से बहुत ज्यादा मदद चाहिए अपने अपनी जो सॉवरेनिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, अपने इकोनॉमिक राइट्स के लिए, अपनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के लिए को स्टैब्लिश करने के लिए। जो जापान ने बेसिकली जो कॉन्सेप्ट दिया था इंडो पैसिफिक का, और जो जो क्वाड में वो बेसिकली दे आर पार्टनर्स, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज जाता है जापानीज को कि वो अपनी मदद ले पाएंगे। इस हवाले से जापान जो है वो इन्वेस्टमेंट करता रहता है इन रीजन्स में, रीजन में, और पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर, जिस तरह मैंने बताया क्योंकि 32-35 अरब डॉलर के करीब जापानीज ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। उससे पहले भी अगर देखा जाए तो जो डिफेंस कोऑपरेशन है जापान का और इंडिया का वो बड़ा स्ट्रांग है। ट्राई सर्विसेज एक्सचेंज है दोनों ममालिक के दरमियान, और एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलेशनशिप है। कोस्ट गार्ड्स के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो भी इस्टेब्लिश हुए हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि मालाबार एक्साइजेस भी इन्होंने की हैं सी ऑफ जापान के अंदर, और इसके अलावा जो जो जितनी जापान इन्वेस्टमेंट करता है इंडिया के अंदर उतना ज्यादा जो जापान ये फील करता है कि शायद वो अपनी जो सिक्योरिटी है वो मजबूत कर पाएगा। दिस इज समथिंग वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, जापान ने जो बहुत बड़े स्केल पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन पर्टिकुलरली इंडिया जापान डिजिटल पार्टनरशिप है एक, एंड स्टार्टअप हब जो है ये एक उन्होंने, आप समझ लें कि एक जो डिजिटल पार्टनरशिप है ये उस वक्त जो ये 2018 में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जब अपना विजिट किया तो ये इस्टेब्लिश की। इसी दौरान अगर देखा जाए 5G टेक्नोलॉजी की बात हो या बाकी जो जापानीज इन्वेस्टमेंट्स हैं कारों के हवाले से हो तो वो भी है। और दूसरा आपको ये भी बता दूं कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के हवाले से भारत और जापान का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म मौजूद है।